आज से कुछ ही दिन बाद रिपब्लिक डे है। क्या आपको पता है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? शायद आपको पता हो कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो हर साल रिपब्लिक डे को बर्बाद करते हैं। सो लेट्स बिगिन। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम संविधान और द बुक ऑफ लॉ भी बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश किया गया था, इसको घोषित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उन्होंने पहले तो 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया, उसके बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा बहुत ही सोच समझ कर और ध्यान से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह बन के रेडी हो गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 308 मेंबर्स ने उसके ऊपर साइन किया था, ताकि ये किसी को फेक ना लगे और सबको पता चले कि ये जो बुक है आगे जाके इंडिया का फ्यूचर बनने वाला है। क्या आपको पता है कि इंडिया के 3 कलर और उसका अशोक चक्र हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कि ऑरेंज कलर हमें करेज और स्ट्रेंथ डिपिक्ट करता है, व्हाइट कलर हमें ट्रूथ डिपिक्ट करता है, और ग्रीन कलर प्यूरिटी और समृद्धि को डिपिक्ट करता है। अशोक चक्र के 24 spokes 24 hours को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी बताता है कि सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 टर्म है ये भारत ने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। इक्वालिटी हमें ये बताता है कि कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कोई नाटा, ये कोई नहीं है, सब कुछ, सब लोग एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर व्यक्ति को इस समाज में सम्मान मिलना ही चाहिए। लिबर्टी आपको ये हक देता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो कर सकते, ये आपको बहुत से राइट्स देता है। अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो हर साल रिपब्लिक डे को बर्बाद करते हैं। हर साल क्या, रोज रोज, रोज। अगर तुम एक इंडियन हो और तुम्हारे दिल में इंडिया के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, तो तुम्हें ये गाना सुन के खड़े होने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम्बरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भले ही कोरोना वायरस की वजह से हम अपना रिपब्लिक डे ना मना पाए, लेकिन भारत का तिरंगा हमारे हृदय में हमेशा ही लहराता रहेगा।